हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। आज आपका बच्चे 10th क्लास का लास्ट एग्जाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है बच्चे, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो मैं आपको करवा रही हूँ बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका कोड नंबर 89 है बच्चे, इसके एमसीक्यूज के आंसर्स। तो शुरू करते हैं बच्चे सेक्शन ए से। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय, ठीक है, क्या होता है बच्चे वो, डॉट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है बी, डॉट। सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। बच्चे सिर्फ इमेजेस को तो आप क्या करते हो, देख पाते हो ना बच्चे, तो इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन होगा बच्चे आपकी, विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, ये बोल रहे हैं कि दीदी सेल्फ मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट सॉरी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा बच्चे। इमोशंस आपका कोई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि इमोशन आपके स्ट्रेस से रिलेट करते हैं। इमोशंस तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उनका क्या लेना देना है बच्चे स्ट्रेस से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो बी ही होगा बच्चे, इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपका होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस बी ही होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, विच इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स। हमें अपने गोल अचीव करने के लिए, खुश रहने के अंदर, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में कौन सा ड्राइविंग फोर्स काम करता है, वो क्या होता है बच्चे, सेल्फ मोटिवेशन, जब हम खुद से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। बच्चे देखो उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी ऐसी जरूरी क्वालिटी नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, क्रिएटिविटी भी, पेशेंस भी, तो क्या होगा बच्चे, वेल्दी इसका नहीं हो, नॉट असेंशियल क्वालिटी होगा। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट तो बहुत ही इजी है, इन टोटल हाउ मेनी एसडीजीज वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015, तो वो कितनी थी बच्चे, 17। तो कितना ऑप्शन होगा बच्चे इसका, सी, 17। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलो वन टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। सेम टाइम के ऊपर कौन सा फीचर हेल्प करता है बच्चे आपका, स्टाइल। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इसके लिए कौन सा मेन्यू होता है बच्चे आपका, फॉर्मेट मेन्यू। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट, गौरव इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन राइटर, द इमेज गेट एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट व्हेन एवर ही ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज एंड द डॉक्यूमेंट साइज इंक्रीजेस, सजेस्ट अ वे टू लिंक द इमेज फाइल इंस्टेंट ऑफ एम्बेडिंग। तो कैसे कर सकता है बच्चे, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की, ठीक है, वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज। इमेज के ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग के टाइम पे उसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, कंट्रोल एंड शिफ्ट की को होल्ड डाउन करना पड़ेगा, जिसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, रिसाइजिंग अ डैश में बैडली इफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। अगर हम इमेज को रिसाइज करते हैं बच्चे, तो उसका रेजोल्यूशन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, तो बच्चे आपकी रेस्टर इमेज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट, इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन हाउ मेनी वेज, इन टू वेज, दो तरीकों से बच्चे आप अपना खुद का टेम्पलेट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट तो बहुत ईजी है, विच की इज यूज टू सी द डेटाबेस वाइल इम्प्लांटिंग मेल मर्ज, कौन सी की यूज होती है बच्चे आपकी, F4 की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा अ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग, कौन से ऑप्शन से आप नेम कर सकते हो, डिफाइन नेम से। नेक्स्ट, कवल एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट फॉर एंटरिंग डेटा एंड अपलोडिंग रिकॉर्ड्स, दे विश टू कीप ए ट्रैक ऑफ चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प इन नोइंग हु मेड द चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस वर डन इन द स्प्रेडशीट, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं बच्चे आपके, तो आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे उनको, ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट, डैश इज ए मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, गोल सीक की मोस्ट इलेबोरेट फॉर्म कौन सी होती है बच्चे, सोल्वर, ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट, मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटन टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग, कैसे आप उनको एज रेगुलर फंक्शन बिहेव करवा सकते हो, बाय राइटिंग एड इन। नेक्स्ट,
डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू ए वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड। यहाँ पर बच्चे दो चीजों को चेंजेस को देखा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको बाय कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सिक्स। क्वेश्चन में ना बच्चे मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दी इसका ए होगा या बी होगा। बच्चे मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ए होगा, मर्जिंग सेल्स, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वर्कबुक शेयर के लिए नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता बच्चे। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसका बी ऑप्शन लगता है तो बच्चे आप मुझे बता सकते हो और रेफरेंस भी बता सकते हो कि जहां से आपने इसका ऑप्शन बी देखा है बच्चे। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चे ए ही है, मर्जिंग सेल्स। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन ओपन ऑफिस बेस रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ विच ऑप्शन, बाय डिलीटिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन SQL द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज, दैट इज सी ऑप्शन, ASC। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं बुलियन और बाइनरी के अंदर। देखो बच्चे, बुलियन जो बच्चे बोल रहे हैं, नो डाउट बुलियन यूज होता है बच्चे आपका किसके लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। बट बुलियन के अंदर बच्चे आपका ये वो डेटा टाइप नहीं है जिसके अंदर आप 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हो। 0 और 1 की फॉर्म के अंदर अगर आप कुछ लिखते हो तो वो बच्चे आपका बाइनरी में ही आता है। खाली इसको मत देखो, इसके साथ इसको भी देखो बच्चे। तो इसका क्या ऑप्शन होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। नेक्स्ट, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल्स, तो वो कौन सा होता है बच्चे आपका सिलेक्ट, फोर्थ का होगा सी। फिफ्थ पे चलते हैं। रोशनी हैज क्रिएटेड अ टेबल कस्टमर इन SQL एंड वांटेड टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज ऑफ एवरी कस्टमर, ठीक है, तो उसको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा बच्चे, लॉन्ग बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव विच डेटा टाइप, तो वो कौन सा होता है बच्चे, टेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की बच्चे, तो वो क्या है, अ डैश इज ए डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी, वो कौन होता है बच्चे आपका, ब्लॉग, तो फर्स्ट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी है बच्चे, आज के टाइम पे तो सब बच्चों को पता है बच्चे इसका। नेक्स्ट, सेकेंड, नताशा वर्क एज फ्लोर मैनेजर, वो एक फ्लोर मैनेजर है। She has been assigned a task for the conducting regular to ensure safety of life in case of any disaster or emergency by quitting the place of danger. तो बच्चे वो क्या कर रही है, अपने जो भी वहां पर काम करते हैं उनको बता रही है कि किस तरीके से सेफ्टी वगैरह की जा सकती है ताकि इन फ्यूचर कोई एमरजेंसी, कोई डिजास्टर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आपका करेक्ट होगा बच्चे, वो होगा आपका इवैक्यूएशन ड्रिल, सी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, डैट इज एन असेसिबिलिटी फीचर डैट इज पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और ए माउस और बोर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि दिस स्टिकी कीज होगा, स्टिकी कीज होगा। नहीं बच्चे, एक ऐसा फीचर जो उन लोगों के लिए यूज होता है जो ना तो माउस यूज कर सकते हैं ना कीबोर्ड, वो सीरियल की ही होता है। 101% श्योर हूं बच्चे मैं इस क्वेश्चन के लिए, इसका सीरियल की ही होगा। नेक्स्ट, फोर्थ, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस, बहुत इजी है बच्चे, पीयर टू पीयर, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, डैश आर टेक्स्ट फाइल्स विच विद स्मॉल पीसेज ऑफ डाटा लाइक यूजर नेम और पासवर्ड, वो कौन होते हैं बच्चे, कौन सी फाइल्स होती हैं, कुकीज। लास्ट, DSL स्टैंड फॉर, DSL की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये हैं बच्चे आपके करेक्ट ऑप्शंस, मैं एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये आपके ऑप्शंस हैं बच्चे, फर्स्ट के फर्स्ट का बी, देन सी, देन बी, देन डी, देन डी, देन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का बी, सी, डी, बी, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चे आपका फर्स्ट का डी, देन आल्सो डी, देन सी एंड ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बच्चे फर्स्ट का डी, देन सी, सी अगेन नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट सी अगेन, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट अगेन सी, नेक्स्ट अगेन सी एंड नेक्स्ट इज बी। नेक्स्ट बच्चे ए, देन सी, देन सी। तो ये आपके बच्चे सेक्शन ए के आपके क्वेश्चंस के आंसर है।
अगर किसी बच्चे को इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत लग रहा है या कोई भी डाउट है तो बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, मैं उनको एक बार दोबारा रीचेक करूंगी। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस है कि नहीं ये सही नहीं है ये सही है तो आप मुझे तब भी बता सकते हो बच्चे, ठीक है? जिसको जो भी डाउट होगा आप मुझे बता सकते हो। एंड अब बात आ जाती है बच्चे आपकी कि अब आप 10th क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है तो अब आप आ रहे हो किसके अंदर, 11th क्लास के अंदर। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप जोन्स, आप कोई भी स्ट्रीम जो चूज करोगे बच्चे उसको देखकर चूज करना, ठीक है? कि आप कल को किस प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हो, अपना टाइम लो और फिर देखो बच्चे कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करना चाहते हो, कौन से प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हो बच्चे, ठीक है? थैंक यू बच्चे।